बच्चों को कोई भी इंग्लिश का टॉपिक कैसे समझाएं, कैसे उनको लर्न कराएं कि वो उनको समझ में आ जाए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं धर्मेंद्र सरस्वती। आज इसी इम्पोर्टेंट फैक्ट पर बात करेंगे जो सभी अध्यापक के लिए, टीचर्स के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो फ्रेंड्स, बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। यकीन मानिए, आज के बाद से बच्चों को समझाने का तरीका जो इसमें बताया गया है वो आपको ज़रूर सहयोग करेगा और बच्चे को भी इससे बहुत ही प्रभावी लाभ होगा। इसमें एक टॉपिक हमने लिया है फ्रेंड्स, फ्लावर्स एंड देयर फ्रेंड्स। अब इस टॉपिक को हम शुरू कर रहे हैं, इसमें यूनिट दिया हुआ है नेचुरल एनवायरनमेंट। जनरली हम बच्चों को ये अवॉइड कर देते हैं कि चलिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, बट एक एक पोर्शन बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट होता है। यूनिट 5 इकाई 5 नेचुरल एनवायरनमेंट, प्राकृतिक पर्यावरण। अब इसमें जो चैप्टर का नाम है फ्लावर्स एंड देयर फ्रेंड्स, फ्लावर्स पुष्प या फूल एंड देयर फ्रेंड्स और उनके दोस्त या मित्र। तो बच्चों को बताएंगे आप फ्लावर्स एंड देयर फ्रेंड्स, फूल और उनके मित्र। अब बच्चों को इसके बारे में आप पहले चर्चा कर सकते हैं कि फ्लावर्स के कौन कौन से फ्रेंड होते हैं, कौन फूल के ऊपर जो है बैठता है, तो ये बच्चे थोड़े से उत्सुक होंगे और उनका माइंड थोड़ा सा सेटअप होगा, चलेगा। अब टॉपिक को जब स्टार्ट करते हैं तो कैसे उनको लर्न कराएंगे। फ्लावर इज द मोस्ट अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ ए प्लांट, इस तरह से आपने पढ़ा। अब यहाँ पे हम बच्चों को बताएंगे, जो हार्ड वर्ड होंगे उनको जरूर समझाएंगे। जैसे फ्लावर्स जनरली बच्चे जानते हैं फूल, अट्रैक्टिव यहाँ पर है एक वर्ड अच्छा है, तो अट्रैक्टिव का मतलब होता है आकर्षक। तो ये बच्चों को बताया जाना चाहिए। ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर, तो ये भी बच्चे को बताया जाना चाहिए, आकर्षक और सुंदर। अब बच्चे को ये हैबिट में लाना चाहिए, ये अध्यापक की जिम्मेदारी है। अट्रैक्टिव का जो आपने मीन्स बताया आकर्षक, ये बच्चे को कहिए कि आप हार्ड वर्ड को उसके ऊपर उसकी मीनिंग लिख सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चे को वह जब भी जब देखेगा तो उसको याद हो जाएगा और वो भूलेगा नहीं। अब इसका मीन्स हम बताएंगे, फ्लावर इज द मोस्ट अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ ए प्लांट। फूल, अब यहाँ से ए प्लांट एक पौधे का, तो आप यहाँ से बताएंगे एक पौधे का पुष्प या फूल, मोस्ट यहाँ है मतलब सबसे अधिक आकर्षक और सुंदर भाग होता है। तो इस तरीके से बच्चे के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ेगा, जब जब दिखेगा तो उसको दोहराएगा। अब आगे देखते हैं, फ्लावर्स यूजुअली ग्रो एट द एंड ऑफ द स्टेम। अब यहाँ पर यूजुअली, तो साधारणतः या सामान्य रूप से, तो ये वर्ड आप बच्चे को हैबिट में लाएंगे, बताएंगे कि इसको आप वहाँ पर लिख सकते हैं। स्टेम का मतलब होता है तना। फ्लावर्स यूजुअली ग्रो एट द एंड ऑफ स्टेम, साधारणतः फूल तने के सबसे ऊपर उगते हैं। इसके आगे हम चलेंगे, दे लास्ट फॉर ए शॉर्ट टाइम। अब दे लास्ट फॉर ए शॉर्ट टाइम, यहाँ पर हम बताएंगे वे बहुत ही थोड़े समय के लिए होते हैं। जो फूल होता है वो फूल हमेशा के लिए नहीं उगता है, वो कुछ समय के लिए केवल होता है। तो ये फ्लावर्स कंटेन नेक्टर, कंटेन का मतलब होता है रखना या होना, तो हम यहाँ पे बताएंगे फ्लावर्स कंटेन नेक्टर, फूलों में मकरंद होता है। मकरंद का मतलब उन बच्चों को बताया जाना चाहिए, मकरंद का मतलब फूलों के अंदर पाया जाने वाला एक द्रव जिससे मधुमक्खियाँ शहद बनाती हैं, उसे ही मकरंद कहते हैं। अब इस तरीके से हमने एक पैराग्राफ को कवर किया। अब बच्चों को अगर बताना है, ये चीज़ उनको समझाना है, तो हम थोड़ी थोड़ी लाइनों का प्रयोग करेंगे, उनको रिवाइज कराएंगे। तो एक बार हम यहाँ फिर से देख लेंगे, फ्लावर इज द मोस्ट अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ ए प्लांट। एक पौधे का पुष्प सबसे अधिक आकर्षक और सुंदर भाग होता है। फ्लावर्स यूजुअली ग्रो एट द एंड ऑफ द स्टेम। फूल तने के सबसे ऊपर उगता है।
लास्ट फॉर ए शॉर्ट टाइम, वे बहुत थोड़े समय तक के लिए स्थिर होते हैं। फ्लावर्स कंटेन नेक्टर, फूलों में मकरंद पाया जाता है। तो इस तरीके से बच्चों को रिवाइज कर देंगे, बच्चों को वो चीज़ दोहराई जाती है। अब आप चाहें तो बच्चे में को जो है किसी बच्चे को खड़ा करा करके उसको पुनः इस टॉपिक को कवर करवा सकते हैं, जिससे अन्य बच्चों को भी ये कवर हो जाएगा और उनके अंदर एक हिम्मत होगी और वो इस चीज़ को भूलेंगे नहीं।